नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारतीय टीम टी20 सीरीज के लिए जो बांग्लादेश के साथ होनी है उसके लिए घोषित हो चुकी है। तो जानेंगे कि किन तीन खिलाड़ियों की कई सालों बाद वापसी हुई है भारतीय टीम में और कौन नया कप्तान बना है, पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। और अगर आप लोग को दिखाया गया ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगले महीने यानी कि नवंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को पहली घोषित कर दिया गया था। तो इसी बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लेते हुए टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की भी घोषणा कर दी है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला 3 नवंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए विराट कोहली को आराम दिया है। तो इसके चलते हम आप लोगों को बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है टी20 वाली, उसके लिए भारत की टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया था। और इसके अलावा युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर को भी भारतीय टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग आपको बताएं कि कौन नया कप्तान है। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ जो टी20 सीरीज होने वाली है उसमें विराट कोहली को आराम देते हुए रोहित शर्मा को नया कप्तान बना दिया गया है। तो रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टी20 मुकाबलों में पहले भी कई बार कप्तानी की है और हर कप्तानी में उन्होंने भारतीय टीम को उस सीरीज को जितवाया है। तो इस बात की कोई भी चिंता नहीं बनती कि रोहित शर्मा को आखिर कप्तान क्यों बनाए, क्योंकि वो टी20 में काफी अच्छी कप्तानी करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की टीम क्या है। जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, सुरेश अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, संजू सैमसंग, कुणाल पांड्या, शिवम दुबे, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, राहुल चाहर, वॉशिंगटन सुंदर, खलील अहमद और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों ऐसे में यही वो खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय टीम के लिए घोषित किया गया है जो मैदान पर खेलेंगे। तो अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन खिलाड़ियों में से 11 सदस्य सहित भारतीय टीम क्या होनी चाहिए जो मैदान पर उतरे। आप हमें नीचे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।